अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग व्यूअर्स। व्यूअर्स तकरीबन 2 बजे का टाइम है, अभी भी नमाज पढ़ के वापस आए हैं। तो मैंने भाई एक टॉपिक मेरे जहन में आया है, काफ़ी दिनों से बल्कि घूम रहा है वो टॉपिक मेरे जहन में, और इंशाल्लाह आज से हम उस टॉपिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक आपको बताते हैं बाद में, सबसे पहले हम उड़ने वाले कबूतरों को निकाल के चलते हैं, फिर आपको टॉपिक बताते हैं। इधर से निकालते हैं इन तीनों को। चलो भाई आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। ये हमारे तीनों आ गए, ये वाले बाहर। ओए ओए ओए, टूट गई भाई, ये टूट गई मुझे लगता है, नहीं बच गई। चलो इधर से निकालते हैं वो वहां से तीनों को। टॉपिक भाई बड़ा मजेदार होने वाला है जो आज मैं आपको बताऊंगा। कबूतर उड़ गया, वो तीनों दो कबूतर हमारे इधर वाले होते उड़ने वाले, एक ये वाला कहाँ पे गए, एक हमारा ये वाला, ये भी आ गया भाई। और एक ये वाला ठीक हो गया, और तो नहीं है कोई, नहीं। चलो बाकियों को करते हैं बंद, क्योंकि ये हमारे कुछ बच्चे हैं और कुछ जोड़े हैं हमारे। चलो भाई ले भाई कबूतरों को, हमने उड़ने वाले को निकाल दिया। टॉपिक आज आपको बताते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, वो है टॉपिक ये कि हम जा रहे हैं आज बर्ड मार्केट। बर्ड मार्केट में जाके हम वो वाले बर्ड ले के आएंगे अब डेली बेस पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेली बेस पर मेरी कोशिश यही होगी कि डेली बेस पर वहाँ से कोई ना कोई बर्ड ले के आए। बर्ड हम वो ले के आएंगे कि यार जो हम अडॉप्ट करेंगे, मतलब कि जो रेस्क्यू करेंगे हम, जो बर्ड थका होगा, बीमार होगा, यार कोई मसला होगा, कोई मसाइल होगा, ठीक है ना। मतलब कि आप कह लें कि यार 100 काम वालों का चैनल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका चैनल जा रहा है, वहाँ पर मैंने ये टॉपिक देखा है, उनको कॉपी करेंगे। कॉपी मतलब यही करेंगे कि यार हम भी वहाँ से रेस्क्यू किया करेंगे डेली बेस पर बर्ड को, और उसको ले के आएंगे अपने ICU में रखेंगे। ICU भी आपको दिखाएंगे कि हमारा ICU कौन सा है। अभी चलते हैं बर्ड मार्केट, बर्ड मार्केट जाके देखते हैं कौन सा बर्ड आज लेके आएंगे। फिलहाल देख लेते हैं, ताला लगाया हुआ है, ताला लगा दिया, ओके हो गया। चलिए जी चलते हैं। ओके भाई, बर्ड मार्केट पहुंच गए हैं। बर्ड मार्केट में भाई हमें दिखा है एक परिंदा। परिंदा भाई बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी, आपको दिखाते हैं। वो है भाई परिंदा ये वाला, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है भाई इसकी तो। यार मसला है इसको भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये वाली टांग देखो भाई इसकी, ये दूसरी टांग इसकी भाई, एक टांग है ही नहीं है, एक ही टांग है इसकी, एक टांग नहीं है। फैसला भाई हो गया आज का, ये बर्ड तो पक्का हमने आज रेस्क्यू करना है इसको। तो चलिए फिर भी विजिट करते हैं किसी कहीं और शॉप पर भी, अगर कहीं और हमें नज़र आ गया तो ठीक है, वरना ये तो हमारा कन्फर्म है कि हम आज इसको रेस्क्यू ज़रूर करेंगे। टन 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 टन, करते हैं यार किसी और शॉप का भी विजिट, अगर हमें कोई मिल गया इसके अलावा, वो तो भाई कन्फर्म है, वो तो हमने भाई रेस्क्यू करना ही करना है। ले भाई दूसरा बर्ड भी हमें मिल गया है जिसको हम कर रहे हैं रेस्क्यू, वो है भाई ये वाला परिंदा। सेम कंडीशन, सेम भाई इसका भी वही इशू है,
इसके अभी भाई फिंगर्स नहीं है इसकी, उसका तो भाई पूरा पाँव ही नहीं है, इसकी भाई फिंगर नहीं है। ये दोनों बड़े भाई आज हम रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करके इनको लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे खैर, इन भाइयों से हमने कर लिया डिसाइड, ये हम लेके ही जा रहे हैं। चलिए मैं इनको पैक वगैरह करवा लूँ, फिर घर से आके आपको मिलते हैं। अभी इनको लेके चलते हैं यहाँ से दोनों को। जी व्यूवर्स, बजीज भाई लेके आ गए हैं। अब करते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, आईसीयू को सेट। आपको दिखाते हैं आईसीयू को मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा सा प्रोसीजर दिखाएंगे आपको भी आईसीयू को हम किस तरह सेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बजीज को उसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे। टंटन ले भाई, आईसीयू हमारा हो गया रेडी। अब भाई बारी आती है अपने बजेज को शिफ्ट करने की। सबसे पहला काम हम करते हैं उनको शिफ्ट करने से पहले, इनको दाना पानी अंदर डाल देते हैं ताकि ये अंदर जाते ही अपना दाना पानी खा ले। तुम ऐसे करो उमर, इसमें पानी ले करो साफ़ करके यार, अच्छे तरीके के साथ साफ कर लेना, मैंने वैसे धोया इसको। आईसीयू माशाल्लाह हमारा बेहतरीन हो गया यार। चलो भाई लगाओ इसको अंदर, आराम से पानी अंदर गिराना ना। चलो दाना भी मैं साथ ही इनका ले आया था, रखो यार नीचे इनको। उम्र ये भर दो, भर के लगा दो। चलो ये भी लगाओ। एट द एंड अब बारी आती है बजेज को शिफ्ट करने की। यार उमर एक और काम करना था यार, इसके अंदर भी यार गत्ता लगाना था। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यार इनकी, ये भी सीन भाई करना पड़ेगा। अभी देखते हैं फिर क्या करते हैं यार इसका, यार ये सीन हमें करना पड़ेगा। ले भाई हमने अपना काम अब कर दिया कंप्लीट, अंदर भी हमने गत्ता लगा दिया ताकि यार आपको पता है कि यार हमारे बजीज के ना पाँव नहीं है, हमें एट द एंड हमें यह भी करना पड़ा कि यार उनके पाँव को तकलीफ ना हो, तो हमने भाई गत्ता लगा दिया क्योंकि नीचे जाली होती है वो उसके लिए भाई इश्यू होता है। चलो भाई लाओ मैं शिफ्ट करो, अल्लाह खैर करे यार। एट द एंड अब बारी आती है शिफ्टिंग की, देखते हैं शिफ्ट करके फिर उनकी मेडिकेशन भी करेंगे, क्या है सीन का देखेंगे। मैं छोड़ ले आओ। चलो जी ये भाई पहला बर्ड जो हम लेके हैं, इसकी भाई फिंगर ही नहीं है, दोनों पाँव का भाई हालत चेक करें, मेडिकेशन करेंगे इनकी। अभी फिलहाल इनको करके अंदर शिफ्ट। चलो यार चलो जी दूसरा लाओ मेरे। पकड़ लो। चलिए जी अब करते हैं दूसरे बर्ड का भी शिफ्ट। चलो मैं छोड़ दे इसको भी अंदर। ले भाई वेलकम हो गया भाई, दोनों का वेलकम हो गया हमारे आईसीयू के अंदर। चलो उम्र कर दो बंद यार, उम्मीद है भाई खुश होंगे आप हमारे आईसीयू के अंदर, क्योंकि यार वहाँ पर भाई इनकी बहुत हैवी किस्म की हालत ख़राब थी, यहाँ पर तो भाई इनकी हम पूरी मेडिकेशन करेंगे, कोशिश करेंगे इनको पूरा ठीक करने की इंशाल्लाह, अल्लाह करे खैर। ले भाई अब चलते हैं नीचे, इनको हमने दाना पानी डाल दिया, अब आएंगे शाम को ऊपर, फिर इनकी भाई कंडीशन देखेंगे और उस टाइम भाई इनकी करेंगे मेडिकेशन, क्योंकि अब इनको दाना पानी हमने डाल दिया। अब चलते हैं नीचे, शाम को मिलते हैं फिर। ले भाई छत के ऊपर आ गए हैं, कबूतर एक हमारा कम लग रहा है, ये बैठा है। ओके छत के ऊपर भाई आ गए हैं, गंद गुंद काफ़ी भाई छत पर डला हुआ है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सफाई करते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई करते हैं सफाई थोड़ी सी छत की, ये देखे कैसे गंदी गंद छत पे हो गया है। इस केज का भी कुछ करते हैं यार, यहाँ पर बढ़ लेके आते हैं यार, इस केज को थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, इसका भी करते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। चलिए जी निकालते हैं अब सब परिंदों का बाहर, ठीक हो गया। चाबी ताला मुझे लगता है मैं खुला ही छोड़ गया हूँ आज। चलो भी आ जाओ,
चलो बच्चों को भैया को उड़ाते हैं साथ इनके, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा चक्कर अपना लगाए। भाई बच्चों को भी बुढ़ा दिया है, बच्चों वगैरह को भी भैया बुढ़ा दिया है, बच्चों का लगवाते हैं थोड़ा सा चक्कर, फिर उसके बाद नीचे दाना पानी खिलाते हैं उतार के इनको। जो हम बैल लेके आए हैं, बजिस को हम लेके आए हैं, इनको हमने आईसीयू में अब एडमिट कर दिया है, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से रात उनकी केयर करें, ठीक है ना, उनको ठीक कर सके। अगर भाई उनकी जिंदगी है तो भाई हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनको बचाने की। पौधे भाई हमारे बेहाल हो गए हैं, इनका भी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता के साथ भाई, सारे काम एक साथ नहीं होंगे, ये आगे टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हालात बेहतर होते जाते हैं इंशाल्लाह। अरे भाई जो हमारा होता है मुश्किल काम छत पे आके, वो हमने अब कर लिया, मतलब कि हमने पानी वगैरह अब चेंज कर दिया सबका। हमारे जो कबूतर हमने उड़ाए थे वो भी हमारे आ गए हैं वापस। आज हम भाई ब्लॉग के एंड करेंगे नीचे जाके आईसीयू के पास जाके, उनकी भाई अपडेट लेके फिर वहाँ पे करेंगे ब्लॉग को एंड। अभी फिलहाल दाना वगैरह डालते हैं इनको, क्योंकि आपको पता है कि दाना इन्होंने एक टाइम ही खाना था दिन में, इस टाइम भाई इनको बस कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी इनको अंदर दाना डाल दें। चलिए अब डालते हैं दाना इनको, इसको हम अंदर ही डालेंगे। ये भी मुझे लगता है हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी भी टांग का मसला है। शुरू करते हैं दाना डालना इनसे। चलो ओके का सीन हो गया इनका। फिर आते हैं बच्चे की तरफ, ये लो भाई। चलो इसे और डाल देते दाना, बाकी फिर एट द एंड आते हैं इनकी तरफ। ले भाई अब टाइम होता है इनको बंद करने का, क्योंकि दाना पानी हमने इनको ओके करके अब खिला दिया, अब इनको करते हैं बंद, फिर चलते हैं आईसीयू के पास, देखते हैं जाकर क्या है कंडीशन। चलिए करते हैं इनको बंद। चलो ओके की आवाज होगी भाई, ये हमारे हो गए परिंदे बंद, इधर ठीक हो गया। अब रखते हैं पानी इनका अंदर। आपको पता है कि पकड़ के बंद करने पड़ते हैं इनको, क्योंकि ये ऊपर अभी आ नहीं सकते। इसको तो भाई सारी जिंदगी पकड़ के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इसका एक पैर ही नहीं है। ये भी आईसीयू वाली है किस्म की। अरे भाई सब बर्ड को हमने बंद कर दिया, सारे कबूतर को बंद कर दिया, अब चलते हैं आईसीयू के पास, आईसीयू के पास जाके देखते हैं क्या है कंडीशन। चलो अभी चले। अरे भाई आ गए आईसीयू के पास भाई, फुल हैवी सीन है यार इधर तो, दाना पानी अपने खा रहे हैं पूरा। इनको भाई दो चार दिन हम नीचे रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे ये सेट हो जाएंगे ना, फिर इनको ऊपर लेके जाना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना भाई। ले भाई इनके साथ भी हमने हेलो अब कर दिया, यहाँ पर करते हैं भाई आज के व्लॉग के एंड, मिलते हैं कल को अगले व्लॉग में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ो नासिर, टाटा बाय बाय।